Wow. तो दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ये खेत में करण आ रहा है लखू भाई का बेटा ट्रैक्टर लेके। ये दूर दूर से जो मूंगफली के बड़े साथ में बनाए इसको यहाँ पे पास में लेके आना पड़ता है। भाई चला रहे हैं ट्रैक्टर। अकरण हेठो कहीं करने गयो हेठो रखा नहीं देखा था लखू भाई की यहाँ जब हम आए थे मूंगफली का जो फसल कट रही थी तब। अब ये एक जगह कलेक्ट करते हैं इसको फिर ट्रैक्टर से ही उठाते। इसके नीचे ऐसा यंत्र बनाया हुआ है ट्रैक्टर का जो कि पूरा इसको उठा के यहाँ लेके आते फिर ये थ्रेशर में ऊपर से एक बंदा डाल रहा है जो आपको दिखेगा। तो अंदर ये पूरा मशीन बना होता है इस तरह से कि मूँगफली को अलग निकाल देता है और उसका जो चारा होता है वो बच जाता है वो एक साइड निकल जाता है और एक साइड में मिट्टी भी निकलती है साइड में तो ये सीधी हाथ में मूंगफली आ जाती है। अब इसमें कोई पत्थर या छोटी साइज में जो मूंगफली का सिमिलर दिखने वाला होगा वो साथ में होगा उसको क्लीन करना होगा बाद में उसके बाद बेच सकेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस चार साढ़े चार महीने लग जाते हैं उसके बाद जाके मूँगफली हाथ में आती है। आप निकली है बोल सकते एकदम शांत हो आए नहीं उतर एकदम शांत हो आए शांत है एकदम शांत है पूजा लेवा गई तो सड़े जा। वाह वाह भाई वाह वाह ये भाई उठ जाए ये उठ जाए
બધી પતી ગયા અને આ જવા છે રાણી આ જવા છે और पापा को पीनी है वो देख रहे हैं चाय दूध वाली पीते हैं मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग लेकिन रामदेव को भी पसंद है और पापा को भी पसंद है जो हम नींबू वाली चाय पीते हैं जिसमें दूध नहीं होता सिर्फ चाय पत्ती एंड शुगर के साथ नींबू होता है रेड कलर की रातों सा सो कीप वॉचिंग ये लेमन टी बोलते हैं इसको मैं जब मालदे मामा है पापा जो उनके पास आता हूँ तब पीता हूँ जिसमें दूध नहीं मिलाते चाय चीनी होती है और फिर चाय पत्ती फिर उसमें लेमन डालते हैं ज़रूरत के हिसाब से लेकिन ये टेस्ट में बहुत अच्छी रहती है और खाना जो भी खाया होता है वो सारा हजम हो जाता है इससे और भूख भी लगती है બહુ ગુણવાનો હોય વાવ Tiger.